नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री गणेश। सो मन रंगीन फ्रेंड्स क्लब वाल मंडपा वा इंका चला डेकोरेशन पेंडिंग उंदी। सो इसारी यूनिक कॉन्सेप्ट अन्नमाट, किंद मीरु चूडोच्चु मन रावणासुडु। सो 10 हेड्स अंड पैना दूरं कि चूस्ते शिवुडु अनुकुंटारु, कानी शिवुनि रूपंलो अयिते मनकु अक्कड मन गणेश महाराज नि इक्कड कूर्चोबेट्टिनारु। स्पेषल गा मन नट्टू पैल्वान दग्गर अयिते वील विग्रहं चेपिस्तारु। यूनिक कॉन्सेप्ट अन्नमाट। पोयिनसारी अयिते मनकु नरसिंह स्वामी रूप में उड़े। सो मन ग्रूप मेंबर्स चूड्स बाय राम राम। हाय फ्रेंड्स, सो जय श्री राम। सो मालादा भय्यवाल तो मालादा मंच सेटअप उ। सो मन एंट्रेंस लो रांगने इकड़ा अभी दिखाता। हाँ, सो इकड़े मन को शिवुडु शिवलिंगम एनकल मन विग्रह अंड मोत्तम अंदर तो मालादा फ्रेंड्स। सो लास्ट वरक व्लॉग चूडंडी। नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री गणेश वन्स अगेन। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शंभो शंकर। सो बेगम बजार ला वन आफ दि फेमस వినాయకుడు అంటే మన రంగీన్ ఫ్రెండ్స్ క్లబ్ వాళ్ళ వినాయకుడు అన్నమాట। సో ఎగ్జాక్ట్లీ మనం కొన్సవాడిలో ఉన్నాం। ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏందంటే చౌరస్తా ఉంది కదా, సో ప్రతి సంవత్సరం హోలీ అప్పుడైతే వీళ్ళు ఐస్ వాటర్ తోనే సెలబ్రేట్ చేస్తారు। సో సబ్ లోక్ భయ్యా జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై, గణపతి బప్ప హోరియా, భగవాన్ కి జై। సో ఆల్రెడీ మీకు సెల్ఫీ వీడియో చూపించాను కదా, సో 10 తలలు మన రావణాసురుడు అయితే అక్కడ వీణ పట్టుకొని వాయిస్తున్నాడు। పైన వచ్చేసి మన కైలాసం ఉంది। సో పైన మనకి వినాయకుడు అంటే శివన్ రూపంలో ఉన్నన్నమాట। సో పైన వచ్చేసి మన వినాయకుడే। సో భయ్య, జస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆప్కా జో థా డిజైన్ ఓ బోత్ బడియా థా, బోత్ అద్భుత్ థా నరసింహ స్వామి కా, ఔర్ ఇస్ బార్ తో బెహతరీన్ హై। ये दशानंद बोलते सर। ओके, दशानंद। दशानंद रावण के 10 अवतार रहते ना। हाँ जी। 10 मुंडिया है। हाँ जी। उस टाइप में ये गणपति है दशानंद, जिस टाइम पे हिमालय पर्वत को उठाकर श्रीलंका ले जाएंगे बोल के बोलते थे। हाँ। उस टाइम ये गणेश शंकर भगवान अपना पैर दबाते थे। ओके। ये पाल उठता नहीं दशानंद थे। ओके। उस टाइप में झांकी है ये। तो ये सब अपना राम जी के टाइम का है। रामायण के टाइम का है। तो ये आइडिया कैसे आना ऐसा इस बार? हम लोग दोस्त लोग बैठ के विचार करते हैं भैया इसमें। हाँ जी। सब लोग मिट के कमेटी में एक 5 से 10 अलग अलग वैरायटी रखते हैं। हाँ, जिसमें से एक कलेक्शन होता है हर साल। ओके। जैसे कि आपने देखा कि हर हम नेक्स्ट टाइम नरसिम्हा स्वामी भगवान बनाए थे, जिसके सामने बालाजी स्वरूप में बैठे हुए थे भगवान तिरुपति। हाँ जी, हाँ जी। जो बहुत ही खूबसूरत झांकी, जो शहर में नंबर वन झांकी थी। Exactly. आपने इससे पहले भी सभी को बताया था वो मूर्ति। हाँ जी। तो अभी दशानंद के अवतार में जो गजानन जी भगवान विराजमान है ऊपर कैलाश पर्वत पर। हाँ जी, देख सकते हैं आप लोग। सो कितने दिन पहले से काम चालू हो गया इसका? ये 1 मंथ में चालू हुआ सर, ये 1 मंथ पहले। तो पूरा अपना नट्टू काका, ये उड़ीसा कटक से एक भाऊ बोलकर कलाकार आता है, भाऊ जिसका नाम बसंत दादा है। बसंत दादा भाऊ। हाँ, उड़ीसा से कलाकार आता है, वो बनाता है इस गणेश मूर्ति। ओके, ओके जी। तो कितने साल से वो भैया दादा? वो यहाँ पर 40 साल से आता है हैदराबाद में। ओके, 40 ईयर से आता है और हमारे ही मूर्ति वो 12-13 साल से बना रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छा है ना। तो इस बार क्या है फिर अगले 5-6 दिन के लिए, क्या क्या कार्यक्रम का आयोग कर रहे हैं आप? अभी ऐसे तो कुछ ऐसा नहीं भाई, यही पूजा पाठ चलती है यहाँ पर हमारे पास रोजाना। कोई ऐसा पूजा पाठ का रहता है बस, बाकी नियम। और विसर्जन के दिन क्या? विसर्जन के दिन धूमधाम से हम सभी लोग पूरे हिंदू धर्म के साथ सभी लोगों के साथ मिलकर के बैंड बाजे के गाते बजाते विसर्जन के लिए निकलते हैं। ठीक है, ठीक है। होली के बारे में सब लोग दर्शकों को बता दीजिए। बेगम बाजार होली स्पेशल रहता है, आप कभी आकर देख लीजिए, ऐसी होली शायद ही कहीं मिलेगी आपको हैदराबाद में। बेगम बाजार, बोलो बोलो भैया। बेगम बाजार में जो होली मिलेंगी आपको पूरे हिंदू, बेगम बाजार में जो होली मिलेंगी आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगी। यहाँ पे चिल्ड आइस वाटर से खेलते होली। वो भी सही है, वो भी सही है। तो भैया आपका जो यहाँ का मूर्ति है ऐसे गिने चुने लोग ही लगा सकते हैं, बट ये जो स्पेशलिटी है ये तो अलग है जी। और ये कैसे पूरा मिक्स है भैया, इसमें इको फ्रेंडली भी मिक्स कुछ है? टोटली मट्टी का गणेश है सर, ये टोटली इको फ्रेंडली। खेती से रेड कलर का मट्टी आता है ये। ओके, पूरा खेत का मट्टी से बना हुआ है ये। ओके, ओके, इको फ्रेंडली गणेश है ये बिल्कुल। थोड़े लोग देखते हैं दूर से कि ये पीओपी का है। नहीं है सर, जरा सा भी पीओपी नहीं है इसके अंदर। कम्प्लीटली टोटली इको फ्रेंडली गणेश है ये। ओके, कितना है क्या? ये 22 फीट है सर। 22 फीट जी। तो अपना रंगीन फ्रेंड्स कितने साल हो गया स्टार्ट? ये हम तो एक सर 50-51 ईयर से बिठाते हैं ये गणेश। चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो कोई स्टार्टिंग से जो बिठा देते आपको पापा जी काका जी कोई है? कंटिन्यू। ओके, ओके। तो अभी आप सेकंड जनरेशन चल रहा है। तो बहुत अच्छा है ना। तो फिर मिलेंगे हम विसर्जन के टाइम में। जय बोलो गणेश महाराज के। सो ఇది ఫ్రెండ్స్ మన రంగీన్ ఫ్రెండ్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళ వినాయకుడు, ఆసమ్ ఉంది। థాంక్యూ, జై శ్రీ గణేశన్, హావ్ ఎ నైస్ డే।